नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जीमेल अकाउंट के बारे में। जी हां दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जो अपने मोबाइल से जीमेल अकाउंट को रिमूव करने की सोचते हैं। जैसे दोस्तों, आपने कोई मोबाइल लिया, उसमें आपको कोई अकाउंट जीमेल अकाउंट ऐड है, बट दोस्तों अगर आप फोन चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आपका जो अकाउंट है उसमें ऐड रहता है। या फिर दोस्तों आप अपने मोबाइल में दूसरा अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो आपको पुराना वाला अकाउंट भी सेव रहता है। दोस्तों कैसे आप उसमें से अपने पुराना वाला जो अकाउंट होता है उसे रिमूव कर सकते हो? तो दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं, उनको ये पता नहीं है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि अगर आप अपना जीमेल अकाउंट अपने मोबाइल से रिमूव करना चाहते हो तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं, फिर भी दोस्तों उनको ये पता नहीं होता कि वो अपना अकाउंट ईमेल आईडी का जो अकाउंट होता है वो कैसे उसे रिमूव करें अपने मोबाइल से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल से कोई भी जीमेल अकाउंट आसानी से रिमूव कर सको, जिससे आप अपना नया वाला अकाउंट यूज़ कर सको और पुराना वाला रिमूव कर सको। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को डिलीट करोगे तो आपका ईमेल आईडी जीमेल अकाउंट है दोस्तों वो परमानेंट डिलीट हो जाता है और आप उसे फिर से यूज नहीं कर सकते। बट दोस्तों अगर आप उसे रिमूव करोगे तो आप फिर से उसे किसी भी मोबाइल में, किसी भी लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर में फिर से उसे ओपन कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना अकाउंट रिमूव कर सको। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसे जीमेल अकाउंट को रिमूव करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है और आप इसे यूज करते हो तो दोस्तों मैं आपको इसी में बताऊँगा कि कैसे आप इसमें से अपना जीमेल अकाउंट रिमूव कर सकते हो। दोस्तों पहले मैं आपको बताऊँगा सैमसंग के मोबाइल में, फिर दोस्तों इसके बाद बताऊंगा रेडमी के मोबाइल में, क्योंकि दोस्तों दोनों में सिस्टम अलग अलग है, दोनों में रिमूव करने का तरीका अलग अलग है। तो पहले दोस्तों आपको सैमसंग बता रहा हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, दिखा दूँगा आपको ये वाला अकाउंट एंड बैकअप का। तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन में जाना है। यहाँ जाने का दोस्तों सबसे ऊपर दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज अकाउंट का, आपको मैनेज अकाउंट में जाना है। अब यहाँ जाने का दोस्तों आपके फ़ोन में जितने भी अकाउंट बन रहे होंगे, जितने भी दोस्तों आपने अकाउंट बनाए होंगे, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, फेसबुक का हो या फिर गूगल का हो, जितने भी दोस्तों इसमें आपने अकाउंट बनाए होंगे वो सारे यहाँ पर शो करने लगेंगे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था गूगल अकाउंट के जीमेल अकाउंट की। दोस्तों हमारे फ़ोन में कई जीमेल अकाउंट ओपन हो जाते हैं जब हम एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन करते हैं, और बाद में दोस्तों हम जिस भी अकाउंट को रिव्यू करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सही से कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मोबाइल में 3 जीमेल अकाउंट ओपन है, ये देखिए। अब मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ कोई सा भी अकाउंट। तो दोस्तों आपको जो भी अकाउंट रिमूव करना है आपको उसी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आपको इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ दोस्तों देखिए ऑप्शन आ रहा है रिमूव अकाउंट। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे रिमूव अकाउंट पे, तो दोस्तों यहाँ पे एक वार्निंग आएगी कि अगर आप रिमूव करते हो तो आपका जितना भी डाटा है इस अकाउंट को लेकर इस फोन में वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको फिर से रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देना है और हमारा जो अकाउंट दोस्तों वो हमारे फ़ोन से डिलीट हो चुका है और इस फ़ोन में जितने भी नोटिफिकेशन थे इस अकाउंट को ले गए वो सारे इस फ़ोन से हट चुके होंगे। तो दोस्तों ये तरीका सैमसंग के मोबाइल से गूगल या जीमेल अकाउंट को रिमूव करने का। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास रेडमी का कोई भी डिवाइस है तो आप उसमें से कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको रेडमी के डिवाइस में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखिए आपको जाना सेटिंग में। जी मेरा रेडमी का डिवाइस है रेडमी नोट 8 प्रो, तो इसमें आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में दोस्तों जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अकाउंट एंड साइंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था गूगल अकाउंट के बारे में, तो आपको यहाँ पर दोस्तों एक गूगल के नाम से ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए मेरे इस फ़ोन में 2 अकाउंट चल रहे हैं, तो आपको जो भी अकाउंट डिलीट करना है आपको उसी पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है मोर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको रिमूव अकाउंट जो ऑप्शन आ रहा लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे रिमूव अकाउंट हो जाएगा, बट दोस्तों मैं आप इसमें से करना नहीं चाहता, मैं आपको दूसरा वाला करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में मैं इस अकाउंट को यूज करता हूँ।
बट जी दोस्तों ये ऊपर वाला नहीं करता तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद आपको रिमूव अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से दोस्तों आपके सामने वही मैसेज आएगा जो आपको सैमसंग के फ़ोन में दिखाया था मैंने अभी आपको। तो दोस्तों आपको फिर से रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखिए हमारे फ़ोन से जो अभी जीमेल अकाउंट था वो डिलीट हो चुका है और उसकी जितनी भी नोटिफिकेशन थी वो सारी ऑटोमेटिकली अभी आपने देखा था यहाँ से हट चुकी हैं। तो दोस्तों यही तरीका है, काफ़ी सिंपल तरीका है। अगर आप अपने मोबाइल से कोई अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं वो जो दोस्तों जो ऑप्शन होता है रिमूव करने वाला वो ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं, बट उनको जो पता नहीं होता कि वो कैसे अपने मोबाइल से किसी भी गूगल अकाउंट को रिमूव कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आप अपने मोबाइल से अपना जीमेल अकाउंट कैसे रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।